सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो जोखिम से रह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। भाग्य किसी को कुछ नहीं देता, मंजिल पाने के लिए हर दिन कर्म करना होगा। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, सिर्फ खोखले बातें किसी काम नहीं आती। आपको सेवा करनी चाहिए परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल ईश्वर देता है, व्यक्ति नहीं। आज का पंचांग 23 जून 2021 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 6:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र सुबह 11:48 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:29 से 2:09 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 23 जून 2021 दिन बुधवार, घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेगी, इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकालना होगा, जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आपका अथक प्रयास रहेगा और काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा होने के भी योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को विदेश जाने की उम्मीद भी बन सकती है। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की वजह से लोगों के मन में आपकी प्रतिमा अच्छी हो रही है, लेकिन उनके द्वारा आपके प्रति रखी हुई अपेक्षाओं का बोझ भी बढ़ेगा। अपनी झूठी छवि बनाकर किसी को भी प्रभावित ना करें, आपका तुरंत सामने आ सकता है। काम से संबंधित जिन बातों की जानकारी है उसी से संबंधित जिम्मेदारियां लें, वरना काम पूरा नहीं होगा। साथ में मानहानि का भी सामना हो सकता है। पार्टनर को दिए गए वचन को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। जोड़ों में जकड़न या दर्द महसूस हो सकता है। सावधानियां, अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देने की वजह से परिवार और रिश्तेदारों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। अपने संबंधों को मजबूत बनाकर रखने की जरूरत है। दूसरों के मामलों में ज्यादा उलझने की कोशिश ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवार जनों का सहयोगात्मक व्यवहार आपको तनाव मुक्त रखेगा। आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बहुत सारे मनोरंजन और मजेदार आदमियों के संपर्क में आएंगे और इनमें से किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बना हुआ है वे अपने पुराने संबंध में अंतर्गत डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंक पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खींचा सा है, लेकिन आज स्थिति में सुधार होगा। बात करते हैं करियर की। आपके भावनात्मक व्यवहार की वजह से आपका कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। आप इसके आदि हो चुके हैं और इसे छुटकारा पाने में आपका समय लगेगा। अपनी इस संवेदनशीलता का आसपास के अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखकर इसका लाभ आप उठा सकते हैं। खाली समय में अचल संपत्ति में निवेश के लायक जगह आप तलाश सकते हैं। आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। अगर पार्टनर से संबंधित व्यवसाय की शुरुआत कर रही हैं तो यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अनुकूल रहेगा और आपके निर्णय सर्वोपरि भी रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। किसी प्रकार की त्वचा संबंधित इन्फेक्शन होने की आशंका भी लग रही है।
आप एक साथ कई सारे काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसका आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप अनिद्रा से पीड़ित हो सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद भी, संतुलित खाने और अनियमित एक्सरसाइज जितनी ही जरूरी है। अगर आप अच्छी तरह आराम नहीं करेंगे तो आप पूरे दिन थकान और आलस महसूस करेंगे। अपने सेहत का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। आज का उपाय, आज आप गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।